टेस्ट एक्चुअली मुझे तीखा पसंद है बट मैंने गलती से स्वीट ले लिया। अच्छा। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। मछली देखी है, ये कैसी लगी आपको? ये मुझे अच्छी लगी एक्चुअली, हाथ वगैरह का टच नहीं है, हाइजीनिक है तो बहुत अच्छा है। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों गोलगप्पे हाथ से तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको लेके आए हैं एक ऑटोमेटिक मशीन पर जो पेमेंट करने के बाद गोलगप्पे देती है, और आगे का प्रोसीजर आप वीडियो में देखिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार कोड लगा हुआ है, और हम करते हैं पेमेंट। पेटीएम, यूपीआई, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। कि मैंने अपना पेटीएम खोला और क्यूआर कोड मैंने स्कैन किया। आप यहाँ देख सकते हैं क्यूआर कोड स्कैन हो गया और पेमेंट का ऑप्शन आ गया। अब मैं पेमेंट करता हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने यूपीआई कोड डाल दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। ये पेमेंट हो चुकी है, देखते हैं अब आगे क्या होता है वीडियो। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से एक प्लेट आ चुकी है गोलगप्पे की, निकालते हैं। एक गोलगप्पे की प्लेट आई है जिसमें आलू की स्टफिंग है और छोले हैं, और इसमें 6 गोलगप्पे हैं। अब आगे देखते हैं पानी कैसे लेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन है पानी के, स्वीट है, खट्टा है और एक मिक्स है। मिक्स का भैया कह रहे हैं कि मशीन में कुछ अभी शायद अवेलेबल नहीं है, तो हम पानी लेते हैं। देखिए आप, ये जैसे गिलास हम पास लेके जाते हैं, और इस मशीन की खासियत ये है, बोलती भी है। अब नीचे करेंगे तो बंद हो जाएगा भैया। आपने पानी का चयन किया है, तो आप देख सकते हैं ये मशीन ऑटोमेटिक पानी दे रही है, और जितनी बार चाहिए आप उतनी बार ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें खट्टा भी डालते हैं। आपने तीखे पानी का चयन किया है, ये बता भी रही है कि आपने खट्टे पानी का चयन किया है। तो अब आइए फाइनली गोलगप्पे ट्राई करते हैं। ये आलू की स्टफिंग है, आलू और इसमें छोले हैं। पानी हमने डाल दिया है, और पानी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। खट्टे और मीठे का दोनों का कॉम्बो है, और स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली इसमें। चलिए अब आपको दिखाते हैं ये मशीन कैसे बनी और किन लोगों ने बनाई, आइए बात करते हैं। अनुराग और गोविंद जी से मिलते हैं जिन्होंने ये मशीन इन्वेंट की, आइए बात करते हैं। सर चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते जी, आपका थैंक यू सर। आप हमें बताइए इस मशीन का आपको आइडिया कैसे आया? सर देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बताया मैंने कि 2018 में हमने ये कार्ट यहाँ पर लगाया था, और कुछ काम भी इतना कुछ खास नहीं था। ये भी काफ़ी परेशान हो रहा था कि भैया क्या काम इतना कुछ आ नहीं रहा है। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा इंजीनियर से है, तो तब मैंने इसको बोला कि कुछ ऐसा करते जिससे कि मतलब खाने का और मेरी इंजीनियरिंग को आपस में कंबाइन कर दिया जाए। तब मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि उन्हें गोलगप्पे की मशीन के ऊपर एक वर्क किया जाए, क्योंकि ये मैंने देखा कभी बनी नहीं थी, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करा, उसके ऊपर काम करना शुरू करा। बट थोड़ा सा टाइम का पंगा था, क्योंकि ब्रेड अर्निंग के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई जॉब वगैरह कर नहीं रहा हूँ स्पेशली कि रिसर्च मैं कर पाऊँ, इसलिए मैंने उसका सेक्रीफाइस किया। और मेरे पिताजी एक मजदूर हैं, वो भी फैक्ट्री में एक लेबर का ही वर्क करते हैं, तो मेरा इतना कोई अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। तो फिर यही था कि भाई सोचा था कि एक स्टार्टअप करेंगे। तब तो किसको मैं कंप्लीट कर नहीं पाया, कोडिंग का कुछ सेशन मेरा कंप्लीट हो चुका था। जैसे ही कोरोना आया, तो कोरोना के आती क्या वो मुझे काफ़ी टाइम मिल गया खाली एकदम बिल्कुल। तो मैंने कोडिंग सेशन कंप्लीट किया, और पूरा 3D डिज़ाइन वगैरह मैंने रेडी किया इसके लिए। और जैसे ही आपका थोड़ी सी सरकार ने ढील देनी शुरू करी, तब अनुराग मार्केट में जाता था, वहाँ से जो मैं सामान मंगवाता था ये वो लेकर आता था। और धीरे धीरे हमने पूरी दिन रात मेहनत करके इस मशीन को जो बनाया वो अब आपके सामने ही है। तो हमने देखा है कि लोग फिज़िकल टेस्ट तरीके से गोलगप्पे सर्व करते हैं, और ये आपकी मशीन ऑटोमेटिक है, तो क्या इसमें वही नेचुरल जो टेस्ट है वही आता है? बिल्कुल सर, एकदम 100% आप आइए टेस्ट कीजिए, कोई मसाले का इश्यू नहीं है इसके अंदर, क्योंकि और मशीन के अंदर फिल्टर करके डालना पड़ता है। अभी आपने भी टेस्ट किया, आप खुद बता सकते हैं। काफ़ी बढ़िया था टेस्ट। तो आप प्रॉपर जो आप कहते हैं कि भैया जी वाले हाथ का, तो ये भी गोलगप्पे वाले भैया ही आप इनको कह सकते हो।
और काफ़ी मज़ा आ रहा आपके साथ जुड़कर, और इतना मतलब आपने प्रोत्साहन किया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और भी नया किया जाए। और इवन मैंने भी इस चीज़ को देखते देखते भाइयों से थोड़ी, भाइयों ने कुछ रेकमेंड किया, तो मैंने एक चैनल भी शुरू किया इसी के लिए, जिसमें मैं एजुकेशनल पर्पज़ में पूरी मशीन की जो जानकारी, कैसे मैं इसको बना रहा हूँ, अब जो फाइनल मॉडल है, पूरी यूट्यूब के अंदर मैं अपलोड करता हूँ। और आपका सहयोग रहा तो मतलब मैं चाहूँगा कि जो हमारे अनएम्प्लॉयड पर्सन है और जो जो इन मशीनों में इंटरेस्ट रखते हैं, वो उसको देख के वो भी सीख पाए। और इस मशीन की क्या खासियत है, कुछ हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर खासियत तो आप देख ही रहे हो, आप इसमें बिल्कुल वायरलेस है, ऐसा कुछ इसमें, और इस पूरी मशीन के अंदर एक सिंगल बटन भी मैंने नहीं लगाया है। पहले कुछ हमारे बटन यहाँ पर थे, वो अभी डीएक्टिवेटेड है, उसका कोई काम नहीं है इसमें। और ये सोलर पैनल्स की एनर्जी से चलती है पूरा पूरा, मतलब सोलर एनर्जी से अपनी बैटरी को चार्ज करती है दिन में और चलाती भी है, और रात को उसी बैटरी को ये यूज़ करके अपने आप को रन करती है। यानी ये आपके 100% फ्री एनर्जी से चलने वाली मशीन है ये। और आपने जैसे कि इसका फंक्शंस वगैरह देखे, कार्ड का ऑप्शन मैंने इसके अंदर, कार्ड का ऑप्शन है, पेटीएम का ऑप्शन है, और क्या यूपीआई का भी है? बिल्कुल सर, बाकी ऑफलाइन मेथड के लिए हमने इसमें टोकन का भी ऑप्शन दे रखा है कि आप कैश देकर टोकन ले सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो आप इसके अंदर। और पानी के लिए भी हमने साइड में स्टैक बनाया, आप एक गिलास नीचे से निकालिए और यूज़ कर सकते हो आप डायरेक्ट इसको, बिल्कुल एकदम ये आपका टचलेस है, पूरी की पूरी फुल्ली हाइजीनिक है। और बाकी इसके जो फाइनल मॉडल पे जो वर्क चल रहा है, वो तो इसको और भी ज़्यादा मतलब इसको एडवांस भी लेके जाएंगे हम। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो मशीन है, इन्होंने कोरोना के जो पिछले साल का लॉकडाउन था उसमें इन्वेंट की, और अभी ये जानकारी दे रहे हैं कि जो ये मशीन है इसका ये एक एडवांस वर्जन भी बनाएंगे जो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। इसमें मिक्सिंग होती है, कोई कहता है कि मसाले नीचे बैठ जाएंगे वो कैसे होगा, पानी फीका आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें मिक्सिंग होती है टाइम टू टाइम, आप फील कर सकते हो हाथ टच करके। ये देखिए मशीन पूरी हिल रही है। ये बता रहे हैं कि इसमें जो पानी है वो ऑटोमेटिक मिक्स होता है नीचे, और हम हाथ से फील भी कर सकते हैं अंदर पानी है जो है मिक्स हो रहा है। बता दीजिए, ये कोई अगर आना चाहे हमारे व्यूअर्स, तो आपके यहाँ कैसे आ सकते हैं? ये दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है एंड सावत दौलतपुर में है, और आप इसे देख सकते हैं कि सामने ही जस्ट ये जस्ट साइड में गेट है, फ्रंट मेन गेट है, और मेन गेट से जब आप आओगे तो फर्स्ट टोल मेरी है। ये भैया ने बताया इनकी जो शॉप है वो सावा दौलतपुर विलेज में है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जस्ट थोड़ा सा आप लेफ्ट लेंगे तो पहली जो शॉप है ये इनमें भैया की है, पैप्रिका द फूड इंजीनियर्स। तो दोस्तों आप आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए और इन्जॉय किए यहाँ का मील।